हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे यूईफा यूरोपा लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा, पीएसवी एंड होवेन और अर्सेनल के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीम का हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नज़र डालते हैं सीधे इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर। तो गाइस, पीएसवी एंडहोवेन नीदरलैंड की टीम है और नीदरलैंड में ये एरेडिवाइज लीग खेलती है, वहाँ पर इसकी जो पोजीशन है फिलहाल के टाइम पर सेकंड है। वहीं पर बात करें अर्सेनल, ये इंग्लैंड की टीम है और इंग्लैंड में ये प्रीमियर लीग खेलती है और प्रीमियर लीग की फिलहाल के टाइम की टॉप ऑफ द बेस्ट टीम है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो दोनों टीमें अपने अपने लीग की काफ़ी बेहतरीन टीम है, लेकिन अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए अर्सेनल को ही एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन लीग की टीम है और पीएसवी भी अच्छी टीम है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अर्सेनल मुझे लगता है कि अर्सेनल इस मैच को ईजिली विन कर जाएगी। तो इसीलिए मैं अर्सेनल को एक फेवरेट टीम मान के चलता हूँ। लेकिन हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो किस तरह का परफॉर्मेंस इन दोनों टीम की ओर से देखने को मिलता है, और यहाँ से भी क्लियर ही हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली हमारे समूली टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो नज़र डालते हैं इन दोनों टीम्स के हेड टू हेड मैच पर। तो गाइस, इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 5 मैच खेले गए हैं, जिनमें से पीएसवी ने सिर्फ इस टीम के सामने एक मैच विन किया है, 2 मैच ड्रॉ खेले हैं, 2 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 0.6 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 0.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब, जब भी दोनों टीमें एक दूसरे के सामने खेलती हैं, पीएसवी जल्दी से मैच को विन नहीं करती, या तो ड्रॉ खेलती है, लॉस करती है, और प्रत्येक मैच में गोल तक स्कोर नहीं करती। आप मान सकते हो पर 2 मैच में टीम सामने सिर्फ एक गोल स्कोर कर पाती है, और डिफेंस से भी कहने कहीं पर मैच में टीम सामने एक गोल तक कंसीड कर देती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी दोनों टीमें एक दूसरे के सामने खेलती हैं तो एक लो स्कोरिंग मैच देखने को मिलता है, जो आज भी आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीम को बीच में खेला गया, ये रिसेंटली हेड टू हेड मैच है। इस मैच को अर्सेनल ने 1-0 से विन किया था। अगर आपको याद होगा तो इस मैच में मैंने 10 ग्रैंड लीग की टीम दी थी, जिनमें हमारी जो ग्रैंड लीग की टीम थी एक, वो काफ़ी बेहतरीन आई थी और मेरे हिसाब से टॉप 10 में उसकी रैंक थी। तो इस तरह का मैच आज भी है, आज भी आप इस मैच में ग्रैंड लीग खेल सकते हो। और उससे मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अटैकिंग ड्रॉ खेला गया, और उससे मुकाबले 1-0 से पीएसवी विन की है, और एक मैच फिर से अटैकिंग ड्रॉ खेला गया, और उससे मुकाबले अर्सेनल इस टीम के सामने विन की है। तो गाइस, अर्सेनल ने जब भी इस टीम के सामने मैच को विन किया है, वो मैच इस टीम ने अपने होम में खेला है। लेकिन जब पीएसवी इस टीम के सामने अपने होम में खेलती है, तो अधिकतर अर्सेनल इस टीम के सामने मैच को ड्रॉ खेलती है। तो कहने का मतलब यह कि पीएसवी भी अर्सेनल के सामने अपने होम ग्राउंड में परफॉर्मेंस अच्छा कर लेती है, अटैक से भी और डिफेंस से भी। तो अब बात आती है इन दोनों टीम को जो करंट फॉर्म, उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, पीएसवी करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से इस टीम ने 4 मैच विन करें, 2 मैच लॉस किए हैं। अटैक से 3.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस से 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। फिलहाल के टाइम पर अगर इस टीम का एरेडिवाइज लीग में देखा जाए तो परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन अगर इस टीम ने 2 मैच लॉस किए हैं, वो रिसेंटली मैच लॉस किए हैं। अटैक भी अच्छा है और डिफेंस मजबूत है। अब बात करें जो पिछला मैच पीएसवी 4-2 से मैच को लॉस करा रही है, तो रिसेंटली आप मान सकते हो इस टीम का कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा डाउन मिलेगा। और उससे मुकाबले अर्सेनल के सामने ही ये टीम 1-0 से मैच को लॉस किए, तो अर्सेनल ऑब्वियसली इस टीम के ऊपर फिर से भारी पड़ने की कोशिश करेगी। और उससे पिछले जितने मैच इस टीम ने खेले हैं, सभी मैच में पर गोल स्कोर किया है, और डिफेंस पर 2 मैच में सिर्फ इस टीम ने 1 गोल कंसीड किया है। तो उन सब मैचेस में देखा गया कि इस टीम का अटैक और डिफेंस काफ़ी मजबूत था, लेकिन आज के मैच में क्या इस तरह की मजबूती फिर से दिखा पाएगी, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हम बात करेंगे अर्सेनल का जो करंट फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं। तो गाइस, अर्सेनल ने करंटली खेले हैं 6 मैच, जिनमें से इस टीम ने 5 विन करे, 1 ड्रॉ खेला, लॉस अभी तक नहीं किया। अटैक से 1.7 गोल पर मैच स्कोर है, लेकिन डिफेंस 0.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड है। तो परफॉर्मेंस अगर रिसेंटली देखा जाए तो अर्सेनल या तो मैच को विन कर रही है या मैच को ड्रॉ खेल रही है, लेकिन लॉस नहीं कर रही। और अटैक से प्रत्येक मैच में कम से कम ये टीम 1 और कभी कभी पर मैच में 2 या 3 गोल तक स्कोर कर देती है, लेकिन डिफेंस काफ़ी मजबूत है। पर 2 मैच में इस टीम का 1 ही गोल कंसीड करने का एवरेज निकल कर आता है। तो अटैक और डिफेंस काफ़ी शानदार अर्सेनल का, और यही एक वजह है कि मैं अर्सेनल फेवरेट टीम मान चलता हूं। अब बात करें जो पिछला मैच अर्सेनल साउथहैम्पटन के सामने अटैकिंग मैच को ड्रॉ खेली, 1 गोल स्कोर किया और 1 गोल कंसीड किया, और उससे पिछले 4 मैच, मतलब
पांच मैच इस टीम ने खेले, पांच मैच विन किए हैं, लेकिन रिसेंटली तीन मैच इसने इस टीम ने क्लीन शीट भी रखा है। तो यहाँ से पता चलता है कि इस टीम का डिफेंसिव परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और अटैक तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो अर्सेनल का अटैक और डिफेंस काफ़ी मजबूत है। तो फाइनली गाइस अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो कैसा, उस पर हमने इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नज़र डाली, फिर हमने हेड टू हेड मैचेस पर नज़र डाली, फिर हमने इन दोनों टीम के रीसेंट फॉर्म पर भी नज़र डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर लेंगे कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस पॉइंट टेबल के अकॉर्डिंग दोनों टीमें आप मान सकते हो अपनी अपनी लीग की टॉप बेस्ट टीम है। लेकिन लीग वाइज कंपेयर किया जाए तो अर्सेनल एक बेहतर टीम है एज कम्पेयर टू पीएसवी। और हेड टू हेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पीएसवी इस टीम के सामने अधिकतर मैच लॉस करती है, ड्रॉ करती है, लेकिन मैच को विन नहीं कर पाती। और अर्सेनल का इस टीम के सामने रिसेंटली हेड टू हेड मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था अटैक से भी और डिफेंस से भी। और रिसेंटली अगर देखा जाए तो पीएसवी का लीग वाइज परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन यूरोपा लीग में इस टीम को परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन देखने को मिला है। और अर्सेनल का जो परफॉर्मेंस है यूरोपा लीग में भी और लीग वाइज भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेट में अर्सेनल एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं अर्सेनल को एक फेवरेट टीम मान कर चलता हूँ। तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइज मुझे लगता है कि आज भी एक लो स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आज पीएसवी एक गोल स्कोर कर सकती है और अर्सेनल भी इस मैच में एक या दो गोल तो स्कोर कर देगी, लेकिन मुझे लगता है कि अर्सेनल आज के मैच में दो गोल स्कोर करेगी और मैच को विन भी करेगी। तो इसलिए मैं मान के चलता हूँ इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन 1-2 होना चाहिए और 1-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार ही हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात करेंगे इन दोनों टीमों को प्लेयर्स के बारे में, क्योंकि वीडियो में अभी तक हमने बात की है कि इस मैच को कौन सी टीम विन करेगी और कितने गोल स्कोर करेगी, लेकिन अब बात करेंगे कि किस प्लेयर को हमें अपनी टीम में लेकर चलना जो आज के मैच में गोल करेगा और कौन से वो 11 प्लेयर्स रहेंगे जिसको हमें अपनी टीम में लेकर चलना और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं पीएसवी के प्लेयर्स के बारे में, फिर हम नज़र डालेंगे अर्सेनल के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो नज़र डालते हैं पीएसवी के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस पीएसवी की तरफ से फिलहाल के टाइम पर लीग वाइज देखा जाए तो कोडी गाकपो जिसने 9 गोल किए और 2 गोल पेनल्टी में किए और आज के मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ड्रॉप मत कर देना, समोर लीग में बिल्कुल मत करना, ग्रैंड लीग में आप रिस्क ले सकते हो। जावी सिमोंस जो कि इस टीम तरफ से 8 गोल कर चुका है, ये भी अच्छा खासा प्लेयर है। फिर यहाँ से टिल भी है, प्रीवियस इन इस टीम तरफ से असिस्ट पोटेंशियल भी हाई था और इस टीम की तरफ से थर्ड हाइस्ट गोल टेकर था। तो ये तीन ऐसे प्लेयर हैं जो इस टीम के लिए कंसिस्टेंट गोल करते हैं लीग वाइज यानी एरे डिवाइज लीग में। और बाकी यहाँ से इब्राहिम शंगारा है, इसको कब ट्राई करना, इसको आपको तब ट्राई करना जब आपको लगे कि ये मैच फिर से एक लो स्कोरिंग होगा और ज़्यादा मतलब जो प्लेयर गोल करते हैं वो पॉइंट देंगे नहीं, लेकिन डिफेंस पॉइंट लेने के लिए इब्राहिम शंगारे एक ऐसा प्लेयर है जो बिना गोल के 20 प्लस पॉइंट दे जाएगा। फिर यहाँ से ओबिस्पा है जिसने 2 गोल किए, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आप सामने रिकॉर्ड भी है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन वीरमान भी अच्छा खासा प्लेयर है, प्रीवियस सीजन काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्मेंस किया था। अनवार अल गाजी का खेलने का चांस थोड़े से कम है। बाकी ल्यूक डिजोंग है, इसने मतलब ये एक न्यू शाइनिंग इस टीम पर और सेविल्ला में अब से पहले खेल चुका है, तो लालीगा में भी खेल चुका है, अच्छा खासा प्लेयर, लेकिन खेलने का चांस बहुत रेयर है इसके। ओके, तो यहाँ से जो आज के मैच में इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं होम ग्राउंड को एडवांटेज देखते हुए कोडी को हम टीम में ट्राई करेंगे। जावी सिमोंस को शायद हम पिक नहीं कर सकते, लेकिन लाइनअप के आधार पर ट्राई करेंगे। फिर यहाँ से गुश है, इनको भी ट्राई करने की कोशिश करेंगे। ओके, वीरमान को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर जिन्होंने इस टीम के लिए असिस्ट प्रोवाइड किए, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट मामले में अगर देखा जाए कोडी गैकपो जिसने 9 असिस्ट निकाले और पोटेंशियल रखता है गोल करने के, प्लस इस टीम तरह से पेनल्टी टेकर है, तो इसका मतलब ये एक स्टार प्लेयर है आज के मैच में। जावी सिमोन से जो कि 8 गोल और 3 असिस्ट निकाल चुका है। वीरमान एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिलिप मैक्स है, ये आपको डिफेंडर देखने को मिलेगा और एक लो स्कोरिंग मैच में अगर आपको लग रहा है कि आज मैच पीएसवी विन कर सकते हैं उस कंडीशन में कैप्टन बना सकते हैं। ओके, बाकी जितने और भी प्लेयर्स हैं आई थिंक आपके सामने सबका रिकॉर्ड है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो अब बात आती है जो सेकंड टीम है अर्सेनल, उसके जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो नज़र डालते हैं अर्सेनल के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस अर्सेनल तरफ से फिलहाल के टाइम पर लीग में हाईएस्ट गोल टेकर है गैब्रियल जेसस, जो कि प्रीवियस मैच खेला था लेकिन गोल नहीं आया था। यहाँ से बुकायो शाका है जिसने असिस्ट और गोल पोटेंशियल काफ़ी हाई और ये टीम तरफ से पेनल्टी टेकर और दोनों प्लेयर्स रिसेंटली जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो काफ़ी शानदार किया है। फिर यहाँ से गैब्रियल मार्टिनेली भी, इसका भी परफॉर्मेंस लीग वाइज काफ़ी शानदार है। फिर खाका ने प्रीवियस हेड टू हेड मैच में ही इस टीम के सामने एक गोल किया था और हमने इसको कैप्टन बनाया था 1-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार ही, उसी मैच में हमारे ग्रैंड लीग मेंबर टॉप 10 रैंक लाए थे। तो आज की भी ग्रैंड लीग टीम आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टॉप के कमेंट में, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। मार्टिन ओडिगार्ड अच्छा प्लेयर है, विलियम शलीबा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बाकी का रिकॉर्ड सामने आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके,
तो अब बात आती है इस टीम तरफ जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, गैब्रियल खेलेगा तो ये इम्पोर्टेंट, शख्स खेलेगा तो ये इम्पोर्टेंट, गैब्रियल ये खेलेगा तो इम्पोर्टेंट, ये सारे इम्पोर्टेंट है। अर्सेनल फिलहाल टाइम पर काफ़ी क्लास टीम है और मजबूत टीम है, जो भी खेलता है ना परफॉर्मेंस अच्छा कर लेता है। तो आई थिंक लाइनअप के आधार पर उन प्लेयर्स को हम टीम में ट्राई करके चलेंगे। ओके, तो अब बात आती है इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर है जिन्होंने इन प्लेयर्स के लिए असिस्ट प्रोवाइड किए हैं, तो नज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर ही। तो गाइस असिस्ट में अगर देखा जाए बुकायो शाका 4 असिस्ट मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर है, गैब्रियल जैसा 3 असिस्ट, खाका 3 असिस्ट, गैब्रियल 2 असिस्ट, बाकी का रिकॉर्ड आपके सामने, वही प्लेयर्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे और इन्हीं प्लेयर्स को आज के मैच में आपको ट्राई करके चलना है। ओके, तो अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, मैंने रखा है आज के मैच में 1-2। वैसे जब ये दोनों टीम आपस में खेलती है एक लो स्कोरिंग मैच होता है, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल के टाइम पर अर्सेनल का परफॉर्मेंस अच्छा है, तो आई थिंक ये मैच 1-2 जाएगा और 1-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार ही हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम इलेवन पर। और इस वीडियो का सेकंड बेस्ट पार्ट भी वहाँ पर शुरू होगा जब हम हर एक प्लेयर्स के बारे में आपको डिटेल्स में बताएंगे कि किस किस प्लेयर को आपको लेकर चलना है, किसको कैप्टन बनाना है। तो चलिए देखते हैं इस मैच की ड्रीम इलेवन टीम को। तो गाइस गोलकीपर सेक्शन से अगर बात की जाए ना, तो सबसे पहले उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि पीएसवी इस मैच में एक एवरेज टीम है, तो मुझे लगता है कि इस टीम के सिर्फ हमें 4 ही प्लेयर पिक करना चाहिए और अर्सेनल के फिर से 7 प्लेयर को ट्राई करना चाहिए और 4-7 के कॉम्बिनेशन के अनुसार कंप्लीट हमें अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन के साथ 11 प्लेयर को पिक करना चाहिए। अब 11 कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो मैं बता ही दूंगा। ओके, गोलकीपर सेक्शन बात की जाए तो मुझे लगता है कि आज के मैच में बेनी तेज एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आज के मैच में, तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट रहेगा तो इन्हें ट्राई करेंगे क्योंकि अर्सेनल का हमने रिसेंटली परफॉर्मेंस देखा, अटैक मजबूत है और पीएसवी कहीं ना कहीं डिफेंस से गोल कंसीड कर देती है, तो कहीं ना कहीं इस मैच में ये टेस्ट हो सकता है। ओके, बात करें डिफेंडर सेक्शन से, मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी किरण तियरनी, इस टीम तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। फिर यहाँ से गैब्रियल जो कि हेडर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आज के मैच में कैप्टन बना सकते हो ग्रैंड लीग में। ओके, फिर यहाँ से आपके सामने फिलिप मैक्स है, इनको ट्राई कर सकते हो अगर आपको एक लो स्कोरिंग मैच लग रहा है कि पीएसवी विन कर सकती है तो कैप्टन भी बना सकते हो। ओके, फिर यहाँ से टॉमी याशू है जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, फिर यहाँ से होल्डिंग का खेलने के चांस थोड़े से रेयर लग रहे हैं मुझे, तो इसलिए हम इन तीन मतलब अभी लेकिन गैब्रियल को ड्रॉप करते हैं, उससे बेहतर हम यहाँ सलीबा को पिक करते हैं। ओके, फिर यहाँ से मवेने भी डिफेंसिव पॉइंट देता, बाकी यहाँ पर जितने और प्लेयर्स हैं जिन चेंको ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, असिस्ट पोटेंशियल हाई लेकिन खेलने का चांस ही बहुत कम है, तो इसलिए मैं ज़्यादा सजेस्ट आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है टियरनी और वलीबा मतलब सलीबा, इनको पिक कर चलेंगे और एक हम पिक करते हैं टोमियास जो कि एक डिफेंसिव पॉइंट काफ़ी अच्छा दे जाता है, बाकी मैं किसी को भी सजेस्ट आपके लिए अभी लिए नहीं कर रहा। ओके, बात करें मिडफील्ड सेक्शन में शाका ये एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है। ओके, तो इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। खाका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर लेकिन आज के मैच में मैं नहीं लेने वाला इसको, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करूँगा, कैप्टन भी बनाऊँगा फिर से, लेकिन प्रीवियस मैच में गोल आया, लेकिन वीरमान को ट्राई करते हैं, सिमोन्स को पिक करते हैं क्योंकि सिमोन्स इस टीम तरफ से असिस्ट और गोल पोटेंशियल हाई है और होम का एडवांटेज इस टीम के पास रहेगा, तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। यहाँ से इब्राहिम संगारा है जो कि डिफेंसिव वर्क इतना ही देता है जितना प्रीवियस मैच में दे चुका है। ओके, फिर यहाँ से फैबी वीरा है, इनको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, एज ए नंबर 10 खेल रहा है इस टीम के लिए, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अलगाजी है अच्छा प्लेयर लेकिन मार्टिन ओडिगाल खेलने का चांस बहुत कम रखते हैं फिलहाल टाइम पर, बाकी यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स इनका खेलने का चांस ही नहीं, तो इसलिए मैं इनको आपके लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो प्लेयर हैं उनको पिक करके चला हूँ। बात करें सेंटर फॉरवर्ड तो गैकपो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, कैप्टन आज के मैच में बना सकते हो, गैब्रियल जो कि रिसेंटली परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर यहाँ से गैब्रियल मार्टिनेली ये भी अच्छा है, तो इन तीनों को हम जरूर ट्राई करेंगे। लेकिन नकीते जो कि 3-2 गोल यूरोपा लीग में कर चुका है और ये भी प्लेयर अच्छा है, लेकिन ये जब खेलता है ना जब बहुत हल्की टीम रहती है और उसके सामने गोल करता ही करता है और आगे तक याद रखना इस प्लेयर को, ये काफ़ी क्लास प्लेयर है लेकिन टाइम बहुत कम मिलता है इसको। ओके, लेकिन ये 3 प्लेयर्स हमारी टीम में होने चाहिए, बाकी यहाँ से गुस्तिल है, इनको ट्राई नहीं करेंगे अभी के लिए, बाकी मुझे लगता नहीं कि इनका कोई खास परफॉर्मेंस आज के मैच में देखने को मिलेगा। लेकिन लास्ट चॉइस जो निकल कर आती है वो फैबियो वीरा जो कि प्रीवियस मैच इसी टीम के सामने काफ़ी अच्छा खेला था और 80 मिनट खेला था आई थिंक, मुझे याद जहाँ तक, तो उसमें भी परफॉर्मेंस इन्हें अच्छा दिया था, तो इसलिए इनको पिक करता हूँ। कैप्टनसी की बात की जाए ना तो अभी के लिए कैप्टनसी जो जाएगी वो है गैब्रियल के साथ, वाइस कैप्टन शाका के साथ, तो मेरी टीम का प्रीव्यू इस प्रकार है। दोस्त ये वीडियो जो टीम है ना ये वीडियो का आधार पर है, क्योंकि ये वीडियो का आधार पर इसलिए क्योंकि हमने अभी लाइनअप नहीं देखी इस मैच की, अब लाइनअप नहीं देखी तो अभी कैसे पता चलेगा कौन से प्लेयर 90 मिनट खेलेगा और कौन से ऐसा प्लेयर है जो बिना गोल के डिफेंसिव वर्क अच्छा कर लेगा, क्योंकि पोजीशन के अनुसार उसको देखा जाता है, तो ये अभी के लिए फाइनल टीम नहीं है, ये फॉर द टाइमिंग आपके लिए टीम दी गई है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन मेरा क्लियर है अभी के लिए, और यहाँ से गैकपो को आप हल्के में मत लेना आज, क्योंकि आज का मैच होम में है तो होम को एडवांटेज रहता है टीम के पास, फैन की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। ओके,
तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए दोस्त एक लाइक का बटन जरूर आपके पास है उसको भी दबा देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि बहुत सारी मेहनत होती है आप सभी के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय दोस्त।